दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी नोएडा में लड़कियों को बेचकर देह व्यापार करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसके बाद सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। सबसे पहले पुलिस आरोपियों को लेकर सेक्टर 15 के गेस्ट हाउस पहुंची। इसी गेस्ट हाउस में लड़कियों का सौदा फिक्स किया जाता था और लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने यहां एक और कमरे में भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले चार लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया। सारा मामा हम लोग के लाके पैसे के लालच देके वो कर दिए, हम लोग का पुलिस छोड़वा के बहुत मेहरबान करे हैं, अब आइंदा से ये सब काम कभी नहीं करें। आज जो पुलिस की छापेमारी हुई है मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले में, पुलिस ने जहां आज सेक्टर 8 में छापेमारी की है, इसमें आज आपको कितनी खुशी है, पुलिस की कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं? नोएडा पुलिस का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि इतना उम्मीद नहीं थी कि दो तीन दिन के अंदर इस तरह का पर्दाफाश होगा। हम लोगों को तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे बराबर में ऐसा काम हो रहा है, और अगर ऐसा काम हो रहा है तो हम तो उसका बड़ा विरोध करते हैं, गलत बात है। और अगर पुलिस ने ऐसा काम किया है तो वो हमेशा धन्यवाद की बात रहे, और मैं सलूट करता हूँ नोएडा पुलिस को कि उसने इस तरह का काम किया। और इस तरह के जितने भी जराये पैसा या शराब माफिया या और जिन्होंने झुग्गियों में अपना अड्डा बना रखा है, उनके खिलाफ गहन कार्रवाई की आवश्यकता है, और अगर गहन कार्रवाई की जाएगी तो ये झुग्गियाँ फिर मजदूरों की हो जाएंगी और यहाँ पे जो माफिया है वो खत्म हो जाएगी। जैसा नोएडा के पुलिस कप्तान डॉक्टर अजयपाल शर्मा रात को किसी भी समय कहीं भी खड़े नजर आते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर अजयपाल शर्मा चौकन्ने हैं, उन्होंने अपनी पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी है, उस प्रक्रिया से आप कितने खुश हैं? डॉक्टर अजयपाल शर्मा को फिर एक बार सल्यूट करता हूँ। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोएडा पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे न्यायियों को जेल भेजो।